गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सानू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल द रीडर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में और उसके साथ साथ 1 मार्च के इतिहास के बारे में भी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली आदिवासी महिला बटालियन की भर्ती की गई है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी झारखंड और डी केरल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार। बिहार की पुलिस में जो है पहली आदिवासी महिला बटालियन की भर्ती की गई है। इसमें जो भी महिलाएं होंगी वो सिर्फ आदिवासी होंगी। चलिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या बिहार एसआई के एस्पिरेंट है तो आप बिहार के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि बिहार का भी बजट आया है तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि बिहार में जो है ग्रीन बजट बिहार में पहली बार पेश किया गया है, मतलब देश में पहली बार ग्रीन बजट कहीं पेश किया है तो बिहार में ग्रीन बजट किया गया है। बिहार में क्या है, पहली जो है जातिगत जनगणना जो है पहली बार होगी बिहार में, ग्रीन बजट पहली बार होगा। बिहार में जो 7 निश्चय है, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार अभी, उनके जो 7 निश्चय है इसके बारे में पढ़ लीजिए। और जैसे ये आज का क्वेश्चन हो गया कि आदिवासी महिला बटालियन भी है, ये बिहार में ही है। तो ये सारे बिहार जो है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार की जो स्थापना हुई थी एक तरह से वो 22 मार्च 1912 की हुई थी, और इसलिए जो है 22 मार्च को हर एक साल बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। राजधानी पटना है, सीएम इनके नीतीश कुमार है और राज्यपाल जो है फागु चौहान। अगला क्वेश्चन, देश का पहला रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है वो कहाँ है, वो कौन सा स्टेशन है? सॉरी, ए दिल्ली रेलवे स्टेशन, बी कोलकाता रेलवे स्टेशन, सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और डी चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, देश का पहला स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अच्छा, गुवाहाटी कहाँ है? तो गुवाहाटी हमारा आसाम में है। असम की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक बने थे, इंडिया रिपब्लिक बना था उस दिन असम की स्थापना हुई थी। उसके बाद राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसके दिसपुर में है। सीएम सर्वानंद सोनोवाल जो बीजेपी से है, और जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीश मुखी। देश का पहला रेल रेस्तरा जो रेस्टोरेंट है वो किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? ए दिल्ली रेलवे स्टेशन, बी आसनसोल, सी गुवाहाटी और डी चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये जो है आसनसोल रेलवे स्टेशन पे देश का जो है पहला रेल स्टेशन खोला गया है। आपको कमेंट में बताना है, मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा हूँ कि आसनसोल जो है कहाँ पे है, आसनसोल रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। एशिया इंटरनेट कॉलिशन ये एक ग्रुप है, जो इंटरनेट में जो भी कंपनियां उनका एक ग्रुप है, किस देश को अपनी सेवा बंद करने की धमकी दी है? तो ये एक धमकी ही है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पे जो है जो भी जो सोशल मीडिया साइट्स है, लाइक जैसे FB है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम तो ऐसे FB का ही है, फेसबुक है, व्हाट्सअप भी है, तो ये जो सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, इन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके देश में अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। तो देश कौन सा है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी अफगानिस्तान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पाकिस्तान को इन्होंने ऐसा कहा है। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान ने जो है एक रूल बनाया है सोशल मीडिया को लेकर कि जितने भी सोशल मीडिया कंपनी हैं उनको अपना कम से कम एक ऑफिस जो है पाकिस्तान में खोलना है, और डाटा स्टोरेज का सुविधा भी जो है पाकिस्तान में ही रहे, मतलब होना चाहिए जो पाकिस्तान की जो डाटा है। तो एक तरह से पाकिस्तान ने जो अपने नागरिकों की जो सुरक्षा के लिए, मतलब उनकी जो प्राइवेसी के लिए ये किया है, लेकिन ये जो है इन कंपनियों को नागवार गुजर गया है। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप, तो एशिया इंटरनेट कॉलिशन जो है उन्होंने कहा है कि अगर आप इस चीज़ को वापस नहीं लेते हैं तो हम आपके यहाँ सेवा बंद कर देंगे। पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है? इमरान खान, आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई की जयंती पर किस राज्य में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो एक चीज जान लीजिए कि मुरारजी देसाई हमारे इंडिया के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनका जो जन्म है वो 29 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी 1896 को, 1896 को, और ये जो है 77 से लेकर 79 के आसपास, जब जो इमरजेंसी के बाद का जो टाइम था 77 से लेकर 79 तक,
तक ये जो है इंडिया के प्रधानमंत्री रहे थे, जनता दल के, जनता पार्टी के सरकार में। तो ये इनकी जो प्रतिमा का अनावरण है वो किस राज्य में किया गया है? ए गुजरात, सॉरी ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी बिहार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनका जो प्रतिमा का अनावरण है वो गुजरात में किया गया है। गुजरात में क्या है, गुजरात की स्थापना जो है ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को, और इसी दिन जो है गुजरात और महाराष्ट्र दो राष्ट्र बने थे, सॉरी दो राज्य बने थे एक ही दिन, गुजरात और महाराष्ट्र, और दोनों के स्थापना दिवस कब? 1 मई 1907 को ही है। राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। सीएम विजय रूपानी बीजेपी फिर से, और जो राज्यपाल है वो श्री आचार्य देवव्रत जी है। किस राज्य ने पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने जो है पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। राजधानी इसकी हैदराबाद है। सीएम जगमोहन रेड्डी है और राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली हेदर नाइट किस देश की खिलाड़ी है? तो हेदर नाइट जो है पहली ऐसी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूप कौन सा, टेस्ट, वनडे और T20, इसमें शतक लगाया है। तो किस देश की खिलाड़ी है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी, सॉरी सी नेपाल और डी इंग्लैंड। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ये जो है इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और ऐसा अभी आपने देखा, आप देख रहे हैं कि जो वीमेन T20 का जो है वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसी वर्ल्ड कप में इन्होंने जो है अभी T20 में शतक लगाया है। तो अब इस शतक के साथ ही ये जो है तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो दुनिया के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और जो बुजुर्ग महिला भी है वो कहाँ से है? तो वो जापान से है, दोनों के थे अब तो है नहीं थे। तो उनका नाम क्या था? ए चितेत्सु वतनाबे, बी बॉब वटेन और सी केन तनाका और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उनका नाम था चितेत्सु वतनाबे। ये जो है जापान से थे और इनकी एज जो है लगभग 112 साल थी, इनकी एज 112 साल थी और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। अब इनके निधन के बाद, चितेत्सु वनातावे के निधन के बाद, अब जो वॉ बेटन है वो जो है दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। और इनकी जो उम्र है वो 111 साल और कुछ महीने है, और ये अगले महीने में मतलब इसी महीने मार्च में ये भी 112 साल के हो जाएंगे, वॉ बेटन भी 112 साल के हो जाएंगे और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे अब। और केन तनाका कौन है? तो केन तनाका जो है दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला है जिनकी एज जो है 117 साल है। ये जो महिला है इनकी एज 117 साल है और ये जापान की रहने वाली है। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? ए रिलायंस, बी एलएनटी, एलएनटी को लर्सन एंड टर्बो बोलते हैं हम, सी महिंद्रा और डी अडानी ग्रुप। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एलएनटी, लर्सन एंड टर्बो को जो है राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं ऑनलाइन की तरफ। तो यूएस ने जो है कोरोना वायरस को लेके, जो यूएस है मतलब यूनाइटेड स्टेट और ऑफ अमेरिका, उसने कोरोना वायरस को लेके एशियन देशों के साथ होने वाली मीटिंग को टाल दिया है, फिलहाल जो है टाल दिया है इन्होंने। आपको कमेंट में बताना है कि एशियन देश की हेडक्वार्टर जो कहाँ है। उसके बाद भारत को जो है तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाली समझौता के लिए आमंत्रित किया गया है। तो तालिबान और अमेरिका के बीच एक समझौता होने वाला है अफगानिस्तान में, तो इसके लिए जो भारत को एज ए गेस्ट वहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि भारत का जो है अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा, अफगानिस्तान के विकास में भारत का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और हम लोग जो है मतलब भारतीय जो है, हम अफगानिस्तान कभी ना कभी हमारा पार्ट था, तो इससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ा सा, और अभी जो है हम उसके विकास में भी सहयोग करें, तो इसलिए भारत को जो है अमेरिका ने तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाली समझौते के लिए आमंत्रित किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के हिस्ट्री की तरफ। तो आज ही के दिन जो है वैज्ञानिक जो ऑनरी बेकरेल थे उनके एक प्रयोग के कारण रेडियोधर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है उसका पता जो है 1896 में पहली बार पता चला था। उसके बाद भारतीय वैज्ञानिक जो सीवी रमन थे जिनका जिन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था, और इनके रमन इफेक्ट के खोज के कारण हम 28 फरवरी को हर एक साल साइंस डे मनाते हैं। तो उन्होंने 1928 में जो है, और ये 1928 में ही इन्होंने खोज भी किया था इसका रमन इफेक्ट का। तो प्रकाश के वितरण
विवर्तन का जो अपना शोध दुनिया के सामने रखा था। इन्होंने किया था 28 फरवरी को, और उसके जस्ट एक दिन बाद ही उन्होंने इसको दुनिया के सामने पेश कर दिया था। और ये इंटरेस्टिंग थिंग है कि 1928 भी जो है उसका लीप ईयर था, और इस साल भी हम जो है लीप ईयर में ही इनके बात कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट का जो उस समय का जो सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन था वो याहू था, तो उसकी जो शुरुआत 1995 में हुई थी। गूगल की शुरुआत तो बहुत बाद हुई थी याहू के, और आज क्या है कि याहू जो है बहुत पीछे चला गया है और गूगल बहुत आगे चला गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।